नमस्कार, आज की वीडियो में बात करेंगे आपके फेवरेट प्लांट जीजी प्लांट के बारे में, तो देखते रहिए इस वीडियो को आखिर तक। मैं हूं अंजना, वेलकम टू अम्लान बाग। जिस पौधे को आप आम तौर से जीजी प्लांट या जेजर प्लांट के नाम से जानते हैं, उसका असली नाम है ज़ामियोकर्कस ज़ामिफोलिया। इतना लंबा नाम है इसलिए हमने इसको शॉर्ट कर दिया जीजी प्लांट। ये प्लांट एक एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है, हवा में से ऑक्सीजन और बेंजीन को एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए इसको एयर प्यूरिफाइंग माना जाता है और इसीलिए हम इसको इंडोर रखने के लिए प्रेफर भी करते हैं। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, फेंगशुई में इसे लकी प्लांट माना जाता है, जो कि लक और फॉर्चून को लेकर आता है, इसीलिए भी लोग इसे लगाते हैं। सबसे अच्छी खास बात है इस पौधे की कि इसे मारना बहुत मुश्किल है। गार्डनर्स हु डोंट वाटर ऑफन आर द वंस दिस प्लांट लव्स मोस्ट। तो जितना कम ध्यान देंगे उतना अच्छा चलेगा। इट थ्राइव्स मोर व्हेन बीइंग नेग्लेक्टेड। अब चलते हैं हम इसके एक एक पॉइंट के बारे में। पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं वॉटरिंग, इसको पानी कैसे देना है। एक्चुअली जीजी प्लांट एक ऐसा पौधा है जिसमें नीचे राइजोम्स होते हैं और राइजोम्स में से बहुत फ्लैशी रूट्स निकलती हैं, तो इन राइजोम्स और रूट्स में बहुत पानी इकट्ठा रहता है और इसीलिए ये पौधा जो है बहुत लंबे समय तक बिना पानी के भी चलता रहता है। तो अगर आपने ज्यादा पानी देते जाएंगे, मिट्टी गीली दिख रही है फिर भी हम पानी देते जा रहे हैं, आप इसका बहुत ख्याल रख रहे हैं, तो होगा ये कि मिट्टी में बहुत ज्यादा पानी होगा, रूट्स बहुत ज्यादा सॉगी हो जाएंगी और अल्टीमेटली पौधा रूट रॉट होके खत्म हो जाएगा। जीजी प्लांट के मरने की सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है, ओवर वाटरिंग। अंडर वाटरिंग में पौधा कभी नहीं मरेगा। 2 से 4 महीने तक भी अगर ये सही मिट्टी में है तो ये बिना पानी के जिंदा रह जाएगा। बेशक उसमें वो चमक नहीं रहेगी लेकिन फिर भी वो जिंदा रह जाएगा। तो ये पौधा जितना नेग्लेक्ट करेंगे उतना ज्यादा चलेगा और जितना ज्यादा ध्यान देंगे, जितना ज्यादा पानी देंगे उतना ज्यादा मर जाएगा। तो प्रश्न ये उठता है कि इसको पानी कैसे देना है। अगर हमारी सही मिट्टी है, जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे मिट्टी कैसी होनी चाहिए, अगर हमारी सही मिट्टी है तो हम इसको तभी पानी देंगे जब हमें ऊपर की 2 इंच की मिट्टी सूखी दिखे। जब तक आपको 2 इंच तक मिट्टी सूखी नहीं दिखती है हमें बिल्कुल पानी नहीं डालना है। वजह यह है कि आपको ऊपर से मिट्टी सूखी दिखाई दे रही है लेकिन नीचे अभी भी गीला है, और अगर फिर हम पानी देंगे तो नीचे सूखा नहीं, राइजोम्स और रूट्स को फिर से पानी मिल जाएगा तो वो ऑल द टाइम गीली रहेंगी और वो मर जाएंगी। लेकिन अब आते हैं हम दूसरा पॉइंट, इसको कैसी सॉइल चाहिए। पानी और सॉइल का बहुत ही घना रिश्ता है। जब हम पानी देने की बात करते हैं कि इसको कब और कैसे पानी दें, तो साथ ही ये बात करना भी बहुत जरूरी है कि इसकी मिट्टी कैसी है। अगर हम पानी एक किस्म से दे रहे हैं और मिट्टी दूसरी किस्म से है तो ये काम नहीं करेगी टेक्निक। अब जो मिट्टी इसकी बननी है वो होनी है बिल्कुल पोरस हल्की सॉइल, जो कि कैक्टस की सॉइल होती है। कैक्टस की सॉइल में हम मिट्टी लेते हैं, कंपोस्ट लेते हैं और साथ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है सैंड। सैंड अगर 50% भी हो जाती है, 40-50% भी सैंड अगर हम डालते हैं तो भी कैक्टस को या जीजी प्लांट को चलता है। तो चाहे तो आप 1/3, 1/3, 1/3 के रेशियो में ले लीजिए, चाहे तो आप सैंड को और बढ़ा दीजिए। परलाइट चाहते हैं तो परलाइट भी ऐड कर सकते हैं, कोई फिक्स सॉइल मिक्स का रेशियो नहीं है। कोकोपीट बिल्कुल ऐड ना करें इस प्लांट के लिए, कोकोपीट इज बिग नो नो, क्योंकि ऑब्वियस है अब तक आप समझ गए होंगे कि कोकोपीट बहुत मॉइस्चर रिटेन करता है, बहुत देर तक गीला रहता है और इस पौधे को बहुत देर तक गीला रहना बिल्कुल पसंद आना है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है सनलाइट रिक्वायरमेंट। कैसी सनलाइट चाहिए इसको। अगर हम इसको फुल सन में रख देते हैं, तेज धूप में रख देते हैं, तो होगा ये कि इसकी पत्तियां जलना शुरू हो जाएंगी। धीरे धीरे करके आपको दिखेगा कि इसकी पत्तियां काली हो रही हैं और ये जल के खत्म हो रही है। जीजी प्लांट इनडायरेक्ट ब्राइट सनलाइट को पसंद करता है, मतलब कहीं से रोशनी वाली धूप आती रहे, धूप डायरेक्ट नहीं आए लेकिन तेज रोशनी अगर आती है तो इसको टॉलरेट हो जाएगा। मीडियम रोशनी आती है तो भी इसको चल जाएगा, और मजे की बात है कि अगर लो लाइट कंडीशंस में भी इसको रखते हैं तो भी ये चल जाता है। घरों के अंदर फ्लोरोसेंट लाइट्स जलती हैं, ऑफिसेज में लाइट्स जलती हैं, तो उन लाइट्स में भी ये अच्छे से सरवाइव कर जाता है। लो लाइट कंडीशन का पौधा है, कम पानी देना है, इसीलिए जो लोग हैं जो बहुत ट्रैवल करते हैं, जिनके पास टाइम नहीं है, उनके लिए अगर बेस्ट कोई प्लांट है घर में रखने का तो वो है जीजी प्लांट। अब बात करते हैं इसके टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी रिक्वायरमेंट। इसका जो टेम्परेचर होना चाहिए, बहुत ही आइडियल टेम्परेचर जो हमें अच्छा लगता है। अब हमें अच्छा लगता है ना सर्दी ना गर्मी, बहुत तेज सर्दी भी हमें पसंद नहीं है, बहुत तेज गर्मी भी हमें पर्सनली अच्छी नहीं लगती। अगर हमारे एसी पंखे सब बंद कर दिए जाएं, हीटर्स बंद कर दिए जाएं, तो हमें कौन सा वेदर अच्छा लगता है? प्रेफरेबली 18 डिग्री से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक, क्योंकि हम घर के अंदर के टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। हमारा टेम्परेचर मोस्टली इसी 18 से 27 डिग्री के आसपास ही रहता है,
इसीलिए जीजी प्लांट घर के अंदर बहुत खुश रहता है। अगर ह्यूमिडिटी की बात करें तो इसे 40% ह्यूमिडिटी पसंद है, लेकिन कम या ज्यादा भी होती है तो ये टॉलरेट कर लेता है। हाई ह्यूमिडिटी में भी ये अच्छे से खुश रहता है। हाँ, अगर लो ह्यूमिडिटी होती है जहाँ बहुत ड्राई क्लाइमेट है, वहां अगर आप इसको थोड़ी सी मिस्टिंग कर देते हैं तो इसकी पत्तियां ज्यादा खुश हो जाएंगी, लश ग्रीन हो जाएंगी, थोड़ी तरोताजा सी हो जाएंगी। चलिए अब आते हैं इसकी रीपॉटिंग में। कई दफा कमेंट्स में मेरे पास सवाल आते हैं कि मैंने जीजी प्लांट लिया, इतना समय हो गया लेकिन ग्रो नहीं कर रहा है, क्या बात है। तो देखिए, ये बहुत स्लो ग्रोइंग पौधा है, बहुत धीरे 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 बढ़ता है, आराम से रहता है। तो चिंता मत कीजिए, जहां तक आपकी पत्तियां हरी हैं, फ्रेश हैं, तब तक आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ये धीरे धीरे ही बढ़ता है और इसीलिए हमें इसकी फ्रीक्वेंट रीपॉटिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। ये जो मेरे पास दोनों जीजी प्लांट आप दिख रहे हैं, ये करीब 3 साल से इस छोटे से कंटेनर में ही है। अब ये भर चुका है, ये देखिए, जब इस तरीके से कंटेनर भर जाता है जिसमें बिल्कुल भी आपको साइड में मिट्टी नजर नहीं आ रही है, अब रूट ऐसे लग रहा है अंदर रूट्स फंस गई हैं, रूट बाउंड हो गया है पौधा, तब हमें इसकी रिपोर्टिंग करनी है। कई दफा हमें नीचे ड्रेनेज होल में से रूट्स निकलती दिखाई देती हैं, वो भी एक साइन होता है कि आपका जो कंटेनर है, आपका जो पॉट है, वो रूट बाउंड हो चुका है, रूट्स पूरी भर चुकी है, रूट्स को फ्रेश सॉइल की जरूरत है। जहां तक प्रोपोगेशन की बात है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि जब हम एक पौधा लाते हैं तो हम चाहते हैं कि हम 1 से 10 बनाएं। इसके प्रोपोगेशन की 2 टेक्निक है मेनली। एक तो जब आप इसको रिपोर्टिंग करेंगे तब रूट डिवीजन के जरिए हम इसको अलग अलग कर लेते हैं। दूसरी टेक्निक होती है कि इसकी एक पत्ती को काट लीजिए, उसको पानी में डाल दीजिए, उसमें धीरे धीरे रूट्स आ जाएंगी, फिर उसको मिट्टी में ट्रांसफर कर लीजिए। ये होता है वाटर प्रोपोगेशन टेक्निक। आप किसी भी तरीके से प्रोपोगेट कर सकते हैं। अब आखिरी बात होती है बहुत इंपॉर्टेंट, कि इसकी मेंटेनेंस कैसे की जाए। मेंटेनेंस का मतलब इसको, इसकी खूबसूरती कैसे मेंटेन करें। इसकी जो पत्तियां होती हैं ये बहुत ही वैक्सी और चमकदार पत्तियां होती हैं, बड़ी बड़ी होती हैं, इसीलिए जब सुंदर दिखेंगी, साफ दिखेंगी, तभी अच्छी लगेंगी। इन पे अक्सर डस्ट जमा हो जाती है, तो डस्ट पोंछने का एक तरीका है कि आप कोई भी सॉफ्ट कपड़े को गीला कर लीजिए और इस तरीके से इन्हें पोंछ लीजिए पत्तियों को। एक आम प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम वाटरिंग करते हैं तो इसकी इतनी डार्क ग्रीन पत्तियों पर सफेद सफेद स्पॉट्स नजर आने लग जाते हैं सॉल्ट के। पानी में जितना भी सॉल्ट होता है वो जब इस पे ठहरता है तो ये सफेद निशान इस पे हमें दिखाई देते हैं। इन सॉल्ट के निशान को साफ करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है, आप बिल्कुल सॉफ्ट मसलिन क्लॉथ पर या तो नींबू का रस निचोड़ लीजिए और या फिर विनेगर, दोनों को थोड़ा थोड़ा डाइल्यूट कर लीजिए पानी में, और उसमें अपना ये कपड़ा डुबो करके, और इन पत्तियों को जब साफ करेंगे तो सारे व्हाइट स्पॉट साफ हो जाएंगे और आपकी पत्तियां बहुत चमकदार, हरी हरी चमकदार दिखने लगेंगी। तो कमेंट्स में जो जो आप शिकायतें कर रहे थे, जीजी प्लांट आपको परेशान कर रहे थे, तो मैंने कोशिश की है इस वीडियो में आपकी सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की। कई ऐसे टिप्स एंड फैक्ट्स मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर आप एवरी थर्सडे एंड संडे देख सकते हैं। एवरी थर्सडे एंड संडे में कुछ ना कुछ नए टिप या कुछ ना कुछ नया फैक्ट किसी न किसी प्लांट के बारे में, समय के बारे में शेयर करती रहती हूँ। तो अमलान बाग के इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाकर के चेक करते रहा करिए। और हाँ, अगर कोई प्लांट्स आपको परेशान करते हैं, आपकी बात नहीं मानते हैं, तो लर्न विद अमलान साइन अप करके 1-on-1 सेशन के जरिए आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर लीजिए। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि उन्हें ठीक कर सकें। और हाँ, ये तो मैं कहना ही भूल गई, जाते जाते प्लीज इसको लाइक कर दीजिए, खूब सारा शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स के साथ। और अगर अब तक अमलान बाग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये क्यों नहीं किया है, इसे तो प्लीज एकदम से बेल आइकन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप और हम जुड़े रहें, बने रहें एक साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।